हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गीताबाई मनरूप सोनी ने कराया नवीनीकरण। भामाशाह ने 1 करोड़ से कराया मडिया स्कूल का रेनोवेशन। लेब लाइब्रेरी टेबल कुर्सी भी नई लगवाई। नागाणी सिरोही ब्लॉक के मडिया गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का कायाकल्प करने वाले भामाशाह गीताबाई मनरूप सोनी के बेटे रायचंद सोनी का 12 अक्टूबर को जयपुर में सम्मान किया जाएगा। भामाशाह परिवार इस सम्मान का पूरा हकदार भी है, क्योंकि मडिया स्कूल को महानगरों के निजी स्कूल की तरह विकसित करने के साथ ही सभी सुविधाओं से संपन्न किया है। कुल भवन का नवीनीकरण करने के साथ ही सभी संसाधनों से युक्त साइंस लैब व लाइब्रेरी बनवाई। गाँव के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा नीचे फर्श पे न बैठे, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए दिल्ली में ऑर्डर देकर विशेष बेंचें बनवाई गयी। छात्र छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट बनवाए गए। पूरे स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे, रोशनी की सुविधा, स्कूल में प्रवेश से पहले शानदार एंट्री गेट और कार्यक्रमों के लिए मंच भी तैयार करवाया। भामाशाह रायचंद सोनी ने स्कूल के रेनोवेशन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए, और इसके पीछे सिर्फ उनकी एक ही मंशा है कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। दिल्ली में बनवाई स्पेशल बेंचें, एंट्री गेट, मंच व सीसीटीवी लगवाए। मडिया गांव का स्कूल जिसका कायाकल्प कर दिया गया, अब भामाशाह का जयपुर में किया जाएगा सम्मान। गांव का प्रवेश द्वार, सड़कें और रोशनी मुक्ति धाम भी सवारे गए। गांव में प्रवेश का मुख्य द्वार भी गीताबाई मनरूप जी सोनी परिवार ने बनाया है। पूरे गांव में रोड लाइट व सड़कें भी इसी भामाशाह की देन है। सबसे बड़ी बात कि गांव के मुक्ति धाम का भी आधुनिकीकरण किया गया है। पूरे गांव के मंदिरों में भी काम करवाए और अस्पताल में भी सुविधाएं बढ़ाई गई। भामाशाह रायचंद सोनी ने बताया कि गांव के प्रति अपनत्व के भाव और माता गीताबाई की प्रेरणा से ही सारे काम करवाए हैं। गांव में गार्डन, सेल्फी पॉइंट, महापुरुषों की भी मूर्तियां हैं। भामाशाह गीताबाई मनरूप जी सोनी के बेटे रायचंद सोनी ने अपने मंडिया गांव में भी विकास के साथ सौंदर्यकरण के कई काम करवाए हैं। गांव के बीचों बीच एक गार्डन बनाया है, जिसका नामकरण स्वामी विवेकानंद पार्क रखा है। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी, बैठने के लिए बेंचें भी लगवाई गई हैं। गार्डन में सेल्फी पॉइंट व ओपन जिम भी है। गांव में महाराणा प्रताप चौक और झांसी की रानी चौक बनाकर वहां इसकी आदमकद मूर्तियां लगवाई गई हैं। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।